हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे पिवट पॉइंट, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज इन क्रूड ऑयल। सो बिफोर गो टू दिस वीडियो, जस्ट रीड दिस रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल, आज क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट 4611, फर्स्ट रेजिस्टेंट 4662 एंड सेकंड रेजिस्टेंट 4716 एंड थर्ड 4767 एंड फर्स्ट सपोर्ट 4557, सेकंड सपोर्ट 4506 एंड थर्ड सपोर्ट 4452। और आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल जो डेली चार्ट, तो डेली में आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल फुल्ली अप ट्रेंड में ही है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये 200 मूविंग एवरेज ब्रेकआउट किया, तो आज उसका नीचे में ही ऑलमोस्ट ओपन हुआ है मार्केट। तो जैसे मैंने पहले आपको एक रेंज दिया था, जैसे 3-4 दिन पहले आई थिंक यहाँ पे, तो इसको ब्रेकआउट करने का बाद मैंने आपको सेल करने के लिए बोला था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये सेल अपॉर्चुनिटी आया हमें और मैंने ये टारगेट दिया था, जिसे आप देख सकते हैं ये 150 मूविंग एवरेज, तो उसको क्रॉस करके अभी 200 मूविंग एवरेज एक जोन में चल रहा है, ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे में, लेकिन मार्केट थोड़ा नीचे उसको ब्रेकआउट कर दिया। तो इसमें देख सकते हैं आप 4 आवर में, ये 4 आवर है, इसमें आप देख सकते हैं एक मार्केट लोअर लो बना के आ रहा है, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं कि लोअर लो बना के आ रहा है मार्केट, राइट। तो लेकिन अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक सपोर्टिंग जोन मिला हुआ है, जैसे आप डेली में देख सकते हैं यहाँ पे, अगर डेली थोड़ा डेली कर दूँ तो मैंने इसको कनेक्टेड करके थोड़ा एक सपोर्टिंग लास्ट सपोर्टिंग रेंज बनाया। आप देख सकते हैं ये वहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम ट्राई किया था ब्रेकआउट करने के लिए, रेजिस्टेंस बना के रखा था यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना था, तो यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ पे सपोर्ट, तो यहाँ पे भी एक सपोर्टिंग जोन बना रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग जोन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये रीजन से डेली आप मार्केट ऊपर भी जा सकता है, लेकिन पहले हमें कन्फर्म कर लेना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये CCA ओवर सोल्ड जोन में है और स्टोर स्टिक भी नीचे ओवर बिलो 20 लेवल के नीचे में ही आ रहा है, तो यहाँ से भी बाउंस बैक हो सकता है, राइट। तो इसके लिए हमें पहले कॉन्फर्म करना पड़ेगा ये एरिया से मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है या और नीचे आने का चांसेस है, राइट। हाँ, तो इसलिए हमें पहले देख लेना चाहिए यहाँ पे 4 आवर में, 4 आवर में आप देख सकते हैं एक रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 आवर में देख सकते हैं ये लोअर लो बना के 20 मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बना लिया, नेक्स्ट नीचे आया फिर से 20 मूविंग एवरेज, उसको उसका बाउंस बैक हुआ, फिर से 20 मूविंग एवरेज, राइट, बाउंस बैक, फिर से 20 मूविंग एवरेज, बाउंस बैक। तो ये रीजन से मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो करेक्शन देना चाहिए, क्योंकि डाउन टेन हो गया फिर भी करेक्शन देना चाहिए, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक 20 मूविंग एवरेज भी इसे आ सकता है और यहाँ से 20 मूविंग एवरेज से फिर से बाउंस बैक हो सकता है रीजन से, ठीक है। तो इसलिए आप भी देख सकते हैं स्टॉक स्टिक भी थोड़ा कंफर्म कर रहा है, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास आ जाएगा, तो CCA भी ये माइनस हंड्रेड लेवल जो लेवल होता है उसका आसपास आ सकता है। तो इसलिए अब पहले आपको कंफर्म कर लेना चाहिए। एंड अभी देखेंगे हम 30 मिनट और 15 मिनट में, उसका साथ आप देख सकते हैं मार्केट अगर ऊपर जाने का चांसेस करेगा तो इसमें क्या है 220 मूविंग एवरेज आएगा, साथ में एक पहले जो हमने एक रेजिस्टेंस लाइन बनाया था ना उसका आसपास आएगा, तो स्ट्रॉन्ग वो रेजिस्टेंस बनेगा, तो इसलिए हमें देखना है अभी 15 मिनट में। तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं मार्केट फुल्ली क्लियरली डाउन ट्रेंड शो कर रहा है और 20 मूविंग एवरेज का साथ में ही वो मार्केट नीचे आ रहा है 15 मिनट में भी। आप देख सकते हैं ये 20 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस
तो इसलिए एक बार यहाँ पे कॉन्फर्म करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रीवियसली यहाँ पे एक लोअर लो बनाया था, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ खींच लिया, तो यहाँ से एक लोअर लो बना के वो मार्केट फिर से ऊपर तक 200 मूविंग एवरेज तक खींच सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको कन्फर्म कर लेना चाहिए, जैसे हम देखेंगे अभी 5 मिनट में। तो और ये 5 मिनट में आप देख सकते हैं मार्केट, और 5 मिनट में दिखा रहा है यहाँ पे ओवर सोल जोन में है मार्केट, राइट, ओवर सोल, ओके। तो यहाँ पे ओवर सोल जोन में है मार्केट, यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो ऊपर करेक्शन देना चाहिए मार्केट आप तो 20 मूविंग एवरेज के आसपास, ठीक है। तो नहीं तो आज आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने 4 आवर में बताया था मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। फिर भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसलिए सेल लेना ज़्यादा रिस्क होगा और बाय लेना ज़्यादा रिस्क होगा, क्योंकि अगर हम बाय जाए तो ये काउंटर ट्रेडिंग हो जाएगा, राइट। तो काउंटर ट्रेडिंग मतलब ये डाउन ट्रेंड हो रहा है, तो मुझे लगता है और तो नीचे आने का चांसेस है, क्योंकि आप देख सकते डेली में तो उसको ब्रेकआउट किया, तो इसलिए इसको सेल लेना ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन अभी यहाँ पे आप सेल लेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकता है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज की बहुत नीचे में आ गया, तो इसलिए इसको करेक्शन करेक्शन होना चाहिए, तो उस समय आप सेल में जा सकता है, राइट। सो होप आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।